दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर मुकेश नौटियाल। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ इम्पॉर्टेंट MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ASO असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर एग्ज़ाम जो उत्तराखंड में होना है। अभी इसका नया नोटिफिकेशन आएगा, पहले इसको UKSSC ने कराना था लेकिन अब इसको UKPSC कराएगा, तो उसका नोटिफिकेशन आना है और तब आपका एग्ज़ाम होगा। तो और जो LT मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, जो उत्तराखंड लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या अदर स्टेट में भी जहाँ जहाँ ये टॉपिक है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप एंड जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप, तो इन दोनों टॉपिक को मैं आपके लिए अभी एक सीरीज़ लाऊंगा जिसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हैं ASO के LT के लेक्चरर के, उन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत, और फिर वहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव या MCQ क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। और मेरा पूरा विश्वास है कि ये जो MCQ मैं आपको दे रहा हूँ इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस को मैं लास्ट ईयर के जो पेपर हैं जैसे लेक्चरर के UKPSC ने जो कराए हैं या अदर स्टेट में जो हुए हैं कहीं भी, वहाँ से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। आज हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप एंड जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप। जैसा आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों के दोनों आपने देखे होंगे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप पर और जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप पर क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और इसको जो है हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप की। तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप की अगर हम बात करेंगे तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास मान लीजिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये मेरे पास क्या है, एक ग्रुप है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। और अगर ये ग्रुप हमारे पास है और इस ग्रुप का कोई एलिमेंट मुझे ऐसा मिलता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ओमेगा लिया, सो ओमेगा की पावर 1 इज़ ओमेगा, देन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा, एंड देन ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ ओमेगा क्यूब इज 1। तो आपने ये ग्रुप लिया और इस ग्रुप में आपने जब इसकी पावर 1, 2, 3 करी तो 3 पावर पर आपको क्या मिला, 1 मिला। और अगर ये ग्रुप मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, इसका कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, दैट इज़ 1। तो जब आपने ओमेगा क्यूब किया तो आपको क्या मिला, 1 मिला। तो ये जो लीस्ट पॉजिटिव पावर हमारे पास होती है, जो लीस्ट पॉजिटिव पावर हमारे पास है, ये जो लीस्ट पॉजिटिव पावर हमारे पास है जिसको करने से आपको उस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। यानी ये एक एलिमेंट हमने लिया था इस ग्रुप से ओमेगा, उसकी पावर 1 करी तो हमको ओमेगा मिला, स्क्वायर करा तो ओमेगा स्क्वायर, बट व्हेन वी हैव ओमेगा क्यूब, जब हमने ओमेगा क्यूब किया तो हमें 1 मिला, और 1 इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है, और 1 इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हम क्या कहेंगे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप को, कि सपोज जी इज़ अ ग्रुप एंड द कंपोजिशन हैज़ बीन डिनोटेड बाय द मल्टीप्लिकेटिवली बाय द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी इज मीन द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। देखिए क्या था, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ये क्यूब जो है पावर 3 जो है ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमारा है इफ़ 1 एग्जिस्ट। अगर ऐसा कोई एलिमेंट ग्रुप में है जिसकी लीस्ट पॉजिटिव पावर आपको क्या दे देती है, सच दैट द an इज इक्वल टू e, मतलब ये जो पावर है ये ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट के
पावर करने पर आपको ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट अगर मिल जाता है तो तब हम इस लीस्ट पावर को क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, यानी इस एलिमेंट का, किस एलिमेंट का जो ये हमने W लिया था, इस एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो कितना है, 3 है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर 3 करने पर आपको क्या मिला, आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप का मिल गया। तो इसलिए क्या हो गया कि इस ओमेगा की जो पावर 3 है उससे हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिला, तो इसलिए जो इसका ऑर्डर हो गया ओमेगा का वो कितना हो गया, 3 हो गया। और ऐसे ही अगर मान लो आपको 1 का ऑर्डर निकालना हो तो 1 की पावर 1 करने पर ही आपको 1 आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो गया, 1 हो गया। ऐसे ही अगर आपको ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर निकालना है तो ओमेगा स्क्वायर की पावर आपने 1 करी तो आपको मिलेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 करेंगे आप तो आपको मिलेगा ओमेगा की पावर 4, और अगर आप ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 करेंगे तो आपको मिलेगा ओमेगा की पावर 6। ओमेगा की पावर 6 को आप लिख सकते हैं ओमेगा 3 का स्क्वायर। ओमेगा 3 कितना होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर 1, दैट इज़ 1 विच इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। यानी ओमेगा जो स्क्वायर है उसकी पावर 3 करने पर, जो ओमेगा स्क्वायर था उसकी पावर 3 करने पर आपको क्या मिल गया, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। तो आप कह सकते हो कि ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर 3 हो जाएगा। तो ये हमारी क्या है, डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप की डेफिनेशन। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, आप समझ लीजिए कि आपका ग्रुप का कोई भी एलिमेंट और उसकी कोई लीस्ट पॉजिटिव पावर जो आपको उस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट प्रोवाइड करवा दे, उस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट प्रोवाइड करवा दे, तो वो जो लीस्ट पॉजिटिव पावर होती है वही उस एलिमेंट का ऑर्डर होती है। राइट, सो दिस इज क्लियर नाउ। तो इस पर मैंने लिखा है कुछ कि इफ देयर एग्जिस्ट नो पॉजिटिव इंटीजर, मान लीजिए आपको ऐसा कोई इंटीजर ही नहीं मिलता जिसकी पावर, जो ऐसी कोई ये इंटीजर आपको मिलता नहीं जो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट प्रोवाइड करवा दे ग्रुप का, देन वी से दैट ए इज ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर। तो तब वो जो एलिमेंट है उसको आप क्या कहोगे कि वो इनफाइनाइट ऑर्डर का है या जीरो ऑर्डर का है। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर ऑफ ए। तो एक कुछ पॉइंट मैंने आपके लिए लिखे हैं, इन पॉइंट को आप समझेंगे और तब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इन एनी ग्रुप द आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज ऑफ ऑर्डर 1। तो आपको जैसे पता ही है ये ग्रुप हमने अभी देखा, तो इसमें आइडेंटिटी, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट अगर 1 है इसका, तो इसलिए इसका जो ऑर्डर है वो 1 ही आया। ऑर्डर ऑफ 1 कितना आया, 1, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट की पावर 1 करने पर ही आपको 1 मिल गया। तो वही बात मैंने लिखी, कभी कभी ये क्वेश्चन में आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, इन एनी ग्रुप द आइडेंटिटी एलिमेंट ए इज ऑलवेज ऑफ ऑर्डर 1 एंड इट इज़ द ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1। यानी कि यही एक ऐसा एलिमेंट होता है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है जो ऑर्डर 1 का होता है किसी ग्रुप के अंदर। दूसरा पॉइंट लिखा है मैंने, द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप, द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट एंड इज लेस देन और इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो अगर ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप, मान लो हमारे पास कोई फाइनाइट ग्रुप है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो ये ग्रुप है तो इसका ऑर्डर कितना है, 3 है, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट है, 3 है। तो वो कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप। अब इसके किसी भी एलिमेंट का अगर आप ऑर्डर निकालते हैं तो वो क्या आएगा, फाइनाइट आएगा एंड इज लेस देन और इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। यानी इसके किसी, जैसे हमने ऑर्डर ऑफ 1 निकाला था तो हमारा कितना आया था, 1। ऑर्डर ऑफ ओमेगा हमने निकाला था तो कितना आया था हमारा, 3 आया था। और ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर हमने निकाला था, ओमेगा ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर हमने निकाला था तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर कितना आया था हमारा, अभी हमने निकाला था ओ स्क्वायर की पावर जब 3 करा था आपने तो हमारा क्या बन गया था, 1 बन गया था। तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर भी क्या आ गया था आपका, 3 आ गया था।
ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर भी क्या आया था, 3। तो वही वो कह रहा है कि जो ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप है वो एक तो फाइनाइट आएगा और लेस देन और इक्वल टू, या तो छोटा आएगा किससे, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से जो ये ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है वो या तो छोटा आएगा या उसके बराबर, उससे बड़ा नहीं जा सकता। यानी आप ऐसा नहीं कह सकते कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसमें 3 एलिमेंट है तो इनमें से किसी एलिमेंट का ऑर्डर 4 आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। यानी इनका ऑर्डर जो ये 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, इनका ऑर्डर या तो 3 आ सकता है या 3 से कम आ सकता है, 3 से कम आ सकता है, 3 और लेस देन 3, ये दो कंडीशन है, बट नॉट ग्रेटर देन 3। यानी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इस ग्रुप के किसी एलिमेंट का ऑर्डर 4 आ जाए या 5 आ जाए या 6 आ जाए, वो गलत है। क्लियर है? तो ये आपको बहुत काम का ये पॉइंट है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ इट्स इनवर्स। तो ये भी कॉमन सी बात है कि जो एलिमेंट होता है और उसका जो इनवर्स होता है, दोनों का ऑर्डर सेम होता है। जो एलिमेंट होता है और उसका इनवर्स होता है, दोनों का इनवर्स क्या होता है, सेम होता है। जैसे अगर हम देखें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर देखें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और कंपोजिशन इनका मल्टीप्लिकेशन का है, तो 1 ओमेगा, दिस इज ओमेगा स्क्वायर, देन ओमेगा एंड देन ओमेगा स्क्वायर एंड देन ओमेगा क्यूब, ये आएगा ओमेगा क्यूब कितना हो गया 1, फिर ओमेगा स्क्वायर की 1 से इंटू करी आपने तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा से इंटू करी तो ओमेगा क्यूब विच इज़ इक्वल टू 1 एंड ओमेगा 4 से करेंगे, ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा 4 यानी ओमेगा। अब आप देखेंगे कि क्या कह रहा है, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ इट्स इनवर्स, मतलब कि जो उसका इनवर्स होगा। तो इनवर्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ग्रुप में, मान लीजिए 1 का तो 1 ही है इनवर्स, लेकिन ओमेगा का इनवर्स क्या है, ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा का इनवर्स क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। तो बस वही वो कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ इट्स इनवर्स ए इनवर्स, मतलब जो एलिमेंट का ऑर्डर होगा और जो उसके इनवर्स का ऑर्डर होगा वो सेम होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ ओमेगा का ऑर्डर भी कितना है, 3 है, और ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर भी कितना है, 3 है, दोनों का ऑर्डर क्या है, 3 है। तो अगर आप एक का ऑर्डर निकाल लेते हैं और आपको ये पता है कि भाई ओमेगा का स्क्वायर जो है वो ओमेगा स्क्वायर है, ये आपको ग्रुप में बताया पढ़ाया था, मेरे पास वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल में कि कैसे इसका इनवर्स निकालते हैं। जैसे ओमेगा ओमेगा जहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है वहाँ पर आमने सामने इनको ऐसे इसको खींचा इसको खींचा, तो ओमेगा का जो इनवर्स हो गया ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा हो गया। तो दोनों का जो ऑर्डर आएगा एलिमेंट का वो सेम आएगा। क्लियर है? ये थर्ड जो प्रॉपर्टी है, ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन एंड पी इज़ अ प्राइम टू एन, देन ए पी इज़ ऑल्सो ऑफ ऑर्डर एन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर एन है और वो जो एन है वो प्राइम है किसके, पी के प्राइम है, प्राइम टू एन, तो ए पी जो होगा वो भी किस ऑर्डर का होगा, उसी ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर का ये है, देन ए पी इज़ ऑल्सो ऑफ ऑर्डर एन। तो ये अभी आपको क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें ये पॉइंट आ जाएगा, अभी करा रहा हूँ मैं। अब मैं दूसरी बात बताऊँगा आपको साइक्लिक ग्रुप पर, पहले हम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप के क्वेश्चन कर लेते हैं, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द साइक्लिक ग्रुप। तो मैंने जैसे कहा इन अ ग्रुप 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर द ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर, तो अभी आपको बताया था मैंने ऑर्डर निकालने का सिंपल सा तरीका है, आपने इसकी पावर 1 करी तो आपको क्या मिला, ओमेगा स्क्वायर, फिर आपने इसकी पावर 2 करी तो आपको मिलेगा ओमेगा 4, तो ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 होता है, दिस इज ओमेगा, एंड देन ओमेगा स्क्वायर की पावर आपने 3 करी, सो दिस इज ओमेगा 6, यू हैव ओमेगा 6 को आप लिख सकते हो ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, सो दिस इज ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 का स्क्वायर, सो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, विच इज इक्वल टू द आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 क्या है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, ये ले रखा है इसका कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप की आइडेंटिटी कितनी होती है 1, तो 1 मिल गया आपको। तो यही तो डेफिनेशन है कि किसी एलिमेंट की लीस्ट पॉजिटिव पावर जो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट प्रोवाइड करवा दे, जो आपको क्या प्रोवाइड करवा दे, आइडेंटिटी एलिमेंट प्रोवाइड करा दे, ए रेज टू द पावर एन, यानी वो लीस्ट पॉजिटिव पावर
जो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट प्रोवाइड करवा दे, तो ये जो पावर एन होती है यही इस एलिमेंट ओ का ऑर्डर होती है, यानी ऑर्डर ऑफ ए क्या होता है, एन होता है उस केस में। तो यहाँ पर आपको कब मिला, जब ओमेगा के स्क्वायर की पावर कितनी हुई, 3। तो इसलिए आप कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज 3, ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज 3, सो राइट आंसर इज 3। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी है इन अ ग्रुप 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये है कंपोजिशन है एडिशन मोडुलियो 6, द ऑर्डर ऑफ 3 इज। सो ये कंपोजिशन आपको ध्यान रखना है, ये एडिशन मोडुलियो 6 है, एडिशन मोडुलियो 6। सो एडिशन मोडुलियो 6 है। आप वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और मैं आपको बताया कि अगर आपको रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए और आपको ऑनलाइन क्लास चाहिए तो उसके लिए आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं, वो मैंने वीडियो के सबसे ऊपर उसका डिटेल आपको दे रखा है, जो वीडियो स्टार्ट हो रहा है उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर डिटेल मिल जाएगा सारा, तो आप वहाँ देख सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, कॉन्टैक्ट टाइम भी मैंने उसमें लिखा हुआ है कि कितने टाइम के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पर भी आप मुझको मैसेज छोड़ सकते हैं, पर ज़्यादा कन्वीनियंट ये होगा कि आप मुझे कॉल कर दें क्योंकि व्हाट्सएप पर देखने का टाइम नहीं लगता। तो इन अ ग्रुप 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड कंपोजिशन इज एडिशन मोडुलियो 6, राइट। सो क्वेश्चन इज ऑर्डर ऑफ 3, आपको किसका ऑर्डर बताना है, 3 का बताना है। सो 3 की पावर आपने 1 करी तो आपको 3 मिलेगा, 3 की पावर 2 करेंगे तो इसका मतलब है 3 + 3 कितना आएगा, 6, और एडिशन मोडुलियो 6 है तो 6 से आप डिवाइड करेंगे, तो 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 × 6, रिमाइंडर कितना आ गया, 0, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया आपका। तो आपको पता है एडिशन मोडुलियो है तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट इसका 0 है, आइडेंटिटी एलिमेंट इज 0। सो जैसे ही आपने 3 की पावर 2 करी तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। तो यही तो आपको डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप है कि वो लीस्ट पॉजिटिव पावर जो आपको उस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या करा दे, अवेलेबल करवा दे, यानी वो लीस्ट पॉजिटिव पावर जिससे आपको ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। तो हमको 3 की पावर 2 करने पर ही आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 3 इज कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 3 इज 2, सो राइट आंसर इज 2। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन भी है, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें, और आंसर मैंने इसका दे रखा है 4, तो बहुत सही है, माइनस आइटा की पावर 4 करेंगे तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिल जाएगा, माइनस आइटा की पावर 4 आप करेंगे तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिल जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ, ये इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ आइटा कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ आइटा हो जाएगा 4। तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, तो ये कुछ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पे क्वेश्चन है। अब मैं बात करूँगा आपको इन अ ग्रुप जी द ऑर्डर ऑफ ए, तो अभी मैंने आपको बताया था जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है किसी ग्रुप के अंदर वही एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसका ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है, और बाकी सबका ऑर्डर जो है 1 से ज़्यादा होता है, लेकिन जो ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उससे कम होता है, फाइनाइट ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर ग्रुप में 6 एलिमेंट है तो ऑर्डर जो होंगे एलिमेंट के, या तो मैक्सिमम 6 आ सकता है या 6 से कम आ सकता है, 6 आएगा या 6 से लेस देन इक्वल टू 6 आता है। तो ये इन अ ग्रुप द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू, तो ये क्वेश्चंस आ रखे हैं एग्ज़ाम में और ASO कम ग्रेड पे की जॉब है, तो मुझे लग रहा है कई क्वेश्चंस ठीक आते हैं, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, अगर आप अच्छे से समझ के जाएँ टॉपिक को और थीम को तो आप क्वेश्चंस ईजिली निकाल लेते हैं, और आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से ज़्यादा क्वेश्चन भी मिलते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं होते। तो दोस्तों इसका आएगा इन अ ग्रुप ऑफ जी ऑफ द ऑर्डर ई इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे जनरेटर, तो जनरेटर किस में आता है, साइक्लिक ग्रुप में। तो जनरेटर साइक्लिक ग्रुप है तो उसको भी ऐसे ही समझेंगे हम, कैसे, जैसे अभी इसी से समझ लेते हैं हम, 1 ω ω² से इससे समझ लेते हैं। तो अगर आपके पास इस ग्रुप के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट है जैसे ओमेगा है, मान लें तो ओमेगा की पावर 1 करते हैं तो ओमेगा मिल गया, ओमेगा की पावर 2 करते हैं देन ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 3 करते हैं
सो ओमेगा क्यूब विच इज़ इक्वल टू वन। तो यानी इस ओमेगा ने आपको आपको ग्रुप के तीनों एलिमेंट दे दिए, वन भी दे दिया, ओमेगा भी दे दिया और ओमेगा स्क्वायर भी दे दिया। क्लियर है? इस वन ने आपको वन भी दे दिया, ओमेगा स्क्वायर भी दे दिया और ओमेगा भी दे दिया। तो अगर आपके पास किसी ग्रुप में ऐसा कोई एलिमेंट अवेलेबल है जिसकी पावर बढ़ाने के बाद आपको ग्रुप के सारे एलिमेंट मिल जाते हैं, ग्रुप के सारे एलिमेंट आपको मिल जाते हैं, तो सच ग्रुप इज कॉल्ड अ साइक्लिक ग्रुप। ऐसे ग्रुप को क्या कहते हैं? साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। सच ग्रुप इज कॉल्ड अ साइक्लिक ग्रुप। ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं? साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। एंड द एलिमेंट, जो एलिमेंट ऐसा है जिसकी पावर को आप चेंज कर रहे हैं और यू विल गेट ऑल द एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, आपको ग्रुप के सारे एलिमेंट मिल रहे हैं, तो वो जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को हम क्या कहेंगे? जनरेटर। उसको क्या कहेंगे? जनरेटर ऑफ ग्रुप, जनरेटर ऑफ ग्रुप कहेंगे इसको। क्या कहेंगे आप? जनरेटर ऑफ अ ग्रुप, क्योंकि ये पूरे ग्रुप को जनरेट कर रहा है। सिंपल सी बात है, पूरे ग्रुप को क्या कर रहा है? जनरेट कर रहा है, तो ये जनरेटर हो गया। तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि एक ग्रुप में एक ही जनरेटर हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी जनरेटर हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि आप चेक कर लें, जैसे ओमेगा स्क्वायर को भी आप चेक कर लें। अगर आपको ओमेगा स्क्वायर भी सारे एलिमेंट दे देता है तो ओमेगा स्क्वायर भी जनरेटर हो जाएगा। वन को आप चेक कर लें, अगर वन भी आपको सारे एलिमेंट दे देता है तो वन भी इसका जनरेटर हो जाएगा। क्लियर है? तो वो आपको चेक करना है कि, लेकिन अभी मैं आपको जनरेटर की डेफिनेशन बता रहा हूँ। तो जनरेटर का मतलब है एक ऐसा एलिमेंट जिसकी पावर को हम क्या करेंगे, अगर उसकी पावर कोई इंटीजर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? अगर आपको पूरा ग्रुप मिल जाता है, आपको ग्रुप के सारे एलिमेंट मिल जाते हैं, जैसे ओमेगा मिल गया, ओमेगा स्क्वायर मिल गया, ओमेगा क्यूब मिल गया, तो सीधी सी बात है वो एलिमेंट जो है वो जनरेटर होगा। और ऐसे ग्रुप को हम साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। ऐसे ग्रुप को हमको क्या कहते हैं? साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। तो इसका डिटेल में मैंने डेफिनेशन ऊपर दे रखा है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया क्योंकि मेरा फोकस एमसीक्यू क्वेश्चंस पर ज़्यादा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ताकि आपको एग्ज़ाम पे पैटर्न समझ में आए। देखिए इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अ ग्रुप जी इज़ कॉल्ड अ साइक्लिक फॉर सम, कोई एलिमेंट है ए बिलोंग्स टू जी, एवरी एलिमेंट एक्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एन वेर एन इज सम इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है। The element A is then called the generator of G. तो अभी मैंने आपको बताया कि उसको क्या कहते हैं? जनरेटर। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टियाँ हैं। इफ़ अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन कंटेन एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन, द ग्रुप मस्ट बी अ साइक्लिक। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई फाइनाइट ग्रुप है एन ऑर्डर का, मान लो कि आपके पास जैसे यही हमने लिया था अभी, जैसे ये वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हमने लिया, तो इसका ऑर्डर कितना है इस ग्रुप का? थ्री ऑर्डर है। आपके पास एक एलिमेंट ऐसा आ जाए जिसका ऑर्डर तीन आ जाए, जिसका ऑर्डर क्या आ जाए? तीन आ जाए। जैसे ऑर्डर ऑफ ओमेगा, ऑर्डर ऑफ ओमेगा आप लोगों को पता है, अभी निकाला हमने ऊपर कितना है ऑर्डर ऑफ ओमेगा, थ्री है। तो वही कह रहा हो, इफ़ अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है जो ऑर्डर एन का है, यानी ग्रुप का ऑर्डर तीन है, और आपको एक एलिमेंट ऐसा मिल जाता है जिसका ऑर्डर एन है, यानी एक एलिमेंट आपको ऐसा मिल गया जिसका ऑर्डर भी तीन ही है। जैसे हमने ओमेगा का ऑर्डर कितना है यहाँ पर? तीन है। ओमेगा का स्क्वायर का ऑर्डर भी तीन है वैसे, लेकिन हम एक चाहिए हमें एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन, द ग्रुप मस्ट बी अ साइक्लिक। तो वो ग्रुप क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि ये जो ग्रुप है वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर विद कंपोजिशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज अ साइक्लिक ग्रुप। क्लियर है? तो बहुत ईजी है, पर कंसेप्ट पर अगर आप काम करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आएंगी। तो उसके लिए मैंने अलग से डिटेल वीडियो भी बना रखे हैं, लेकिन आज मेरा फोकस थोड़ा एमसीक्यू पर है, तो थ्योरी जो है उस पर हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो हम आपको सारी प्रॉपर्टीज़ इसके बारे में वो मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, है मेरे चैनल पे, जैसे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पे, साइक्लिक ग्रुप पर, परमुटेशन ग्रुप पर आपको मेरे चैनल में वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन एक हल्का सा आइडिया ताकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहें, क्योंकि आइडिया चाहिए होता है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। मतलब बहुत क्लियर है ये प्रॉपर्टी कि इफ़ अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर एन है और एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर भी एन हो गया, तो यानी वो ग्रुप क्या होगा? साइक्लिक। दूसरी पॉइंट है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन एविलियन ग्रुप, हर साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो एविलियन होता है। तीसरा पॉइंट है, इफ़ ए इज़ अ जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप देन ए इनवर्स इज ऑल्सो अ जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप। तो देखा आप, इससे अब आपको पता लग गया होगा कि अभी हमने ऊपर चेक करा था कि ओमेगा का
इनवर्स कौन था? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का जो इनवर्स था वो ओमेगा स्क्वायर था। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर इफ़ ए इज़ अ जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप जी, अगर भाई ये कह रहा है कि अगर ये ओमेगा इसका जनरेटर है तो ए इनवर्स को भी इसका जनरेटर होना पड़ेगा। मतलब आपको कन्फर्म हो गया कि ओमेगा स्क्वायर भी इस ग्रुप का क्या है, जनरेटर। यानी इस जो ये आपके पास वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, इसके कितने जनरेटर हो गए आपके पास? दो जनरेटर हो गए, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि इस थ्योरम से ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि इफ़ ए इज़ अ जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप जी, देन इनवर्स एलिमेंट जो होगा उसका, वो भी उसका क्या होगा? जनरेटर होगा। एवरी ग्रुप ऑफ अ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। जो ग्रुप होता है प्राइम ऑर्डर का वो साइक्लिक होता है। जैसे ये भी प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट है? तीन, और थ्री इज अ प्राइम नंबर, तो ये भी क्या है? साइक्लिक है। तो आप मतलब एग्जाम में जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब डिसाइड करेंगे कि वेदर दिस वन इज अ साइक्लिक और नॉट। आपके पास बहुत सारी टेक्निक होती है, अगर आप सारी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से पढ़ लें और डिटेल में जाके चैप्टर को पढ़ें तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी और आप एग्ज़ाम में ज़्यादा क्विक आंसर दे सकते हैं। क्योंकि वहाँ आंसर देने के लिए ये नहीं कि आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो तब आपके लिए टाइम सफिशिएंट नहीं रहेगा वहाँ पर, मैं बता देता हूँ आपको। तो उस टाइम को बचाने के लिए क्या करना है उसके लिए आप हमसे, मैंने कहा अगर आपको रिकॉर्डेड क्लास चाहिए और आपको ऑनलाइन क्लास चाहिए तो उसके लिए आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो हम आपको वहाँ डिटेल में बता देंगे कि किस तरीके से हम चीज़ों को, प्रॉपर्टी अगर समझे तो किस तरीके से जो क्वेश्चन आप तीन मिनट दो मिनट में करते हैं उसको आप पाँच सेकंड में दस सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे हम, हाँ ये क्वेश्चन देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये है द जनरेटर ऑफ अ ग्रुप जी ए ए स्क्वायर ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स, ए सिक्स इज इक्वल टू ई का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये जो एलिमेंट है इसका ऑर्डर कितना है? सिक्स है। इसका ऑर्डर कितना है? सिक्स है। तो ये ए जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है इस ग्रुप का, राइट। तो वो कह रहा है इसके जनरेटर बता दीजिए आप मुझे, इसके जनरेटर बता दीजिए। तो जनरेटर क्या है? अब आप देखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में तो कैसे करेंगे आप, सारे चेक करने पड़ेंगे आपको। जैसे आपने ए उठाया पहले, अब मैंने तो आंसर लिखा हुआ है ए और ए फाइव इसका आंसर है, तो चलो हम तो ए और ए फाइव चेक करेंगे। पर आपको क्या तरीका ऐसा है जो आप एग्ज़ाम में इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो वो भी मैं बताऊंगा अभी। जैसे आपने ए वन करा तो ए वन मिल जाएगा, ए टू करा तो आपको ए स्क्वायर मिल जाएगा, ए थ्री करा तो आपको ए थ्री मिल जाएगा, ए फोर करा देन यू हैव ए फोर, ए फाइव देन यू हैव अ ए फाइव, ओके देन ए सिक्स एंड ए सिक्स इज इक्वल टू ई। सो इट मीन्स ए ऐसा एलिमेंट है जिसकी पावर चेंज करने पर आपको इस ग्रुप के सारे एलिमेंट मिल रहे हैं। एक जनरेटर इसका क्या हो गया? एक जनरेटर इसका ए हो गया। नाउ दी अब आप करेंगे क्या, ए स्क्वायर को भी ऐसे चेक करके देखेंगे कि भाई ए स्क्वायर की पावर आप वन करेंगे तो ए स्क्वायर मिलेगा, ए स्क्वायर की पावर टू करेंगे तो ए फोर मिलेगा, तो ए फोर मिलेगा, फिर ए स्क्वायर की पावर आप थ्री करेंगे तो आपको ए सिक्स मिलेगा, ए सिक्स आपका क्या है? ई है। फिर ए स्क्वायर की पावर आप फोर करेंगे तो आपको ए एट मिलेगा, ए एट को आप लिख सकते हैं ए सिक्स इंटू ए स्क्वायर, ए सिक्स ई होता है तो ए स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर हमें पहले भी मिला। ऐसे आप चेक करेंगे तो यहाँ आपको सारे एलिमेंट नहीं मिलेंगे। तो अब मैं सीधा चेक कर रहा हूँ ए फाइव को, तो अगर ए फाइव को चेक करेंगे तो ए फाइव की पावर वन करा तो ए फाइव ही मिलेगा, फिर ए फाइव की पावर अगर आप टू करते हैं, क्लियर है ना, तो आपको क्या करनी है? पावर बढ़ानी है एलिमेंट की। तो ए फाइव की पावर टू करते हैं तो आपको मिलेगा ए टेन, एंड ए टेन कैन बी रिटर्न एज, ए टेन को आप कैसे लिख सकते हैं? ए टेन को आप लिख सकते हैं ए रेस टू दी पावर सिक्स और ए की पावर फोर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? ए की पावर सिक्स और ए फोर, ए सिक्स तो आपका ई है तो ये मिल गया आपको ए फोर। ऐसे ही आप ए फाइव की पावर अगर थ्री करेंगे तो ए फिफ्टीन आपको मिल जाएगा, ए फिफ्टीन अगर आप करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ए ट्वेल्व और ए थ्री, ए ट्वेल्व कितना हो जाएगा? ए सिक्स की पावर टू और ये हो जाएगा ए थ्री। ए सिक्स क्या है? ई के इक्वल है। ए सिक्स क्या है? आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट का स्क्वायर कर लो, कुछ भी कर लो आइडेंटिटी एलिमेंट ही रहेगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है? वन, तो आपको कितना मिल जाएगा? दैट इज़ ए क्यूब मिल जाएगा। देन ए ए फाइव की पावर थ्री के बाद अगर आप करते हैं तो ए फाइव की पावर अगर आप कितना करते हैं, थ्री हो गया, फोर कर लीजिए, ए ट्वेंटी आपको मिल जाएगा। तो ए ट्वेंटी कितना हो गया आपका?
6 की पावर 3 और ए 2 क्योंकि ए 18, तो ये तो 1 ही हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट। और ये आपको कितना मिल गया, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आपका हो गया। तो देखो आपको ए स्क्वायर मिल गया, आपको ए क्यूब मिल गया, आपको क्या मिल गया, ए 5 मिल गया, आपको ए 4 मिल गया, राइट। अब आपको क्या चाहिए, ए 6 की पावर, अगर आप ए 5 की पावर आप कितना करते हैं, 4 कर दिया आपने, अब आप 5 करेंगे, 5 करेंगे तो ए कितना हो जाएगा, 25। तो ए 25 को आप लिखेंगे ए 24 इंटू ए, ए 24 को आप लिख लेंगे ए 6 की पावर 4 इंटू ए। तो ये तो आपको पता है 6 क्या आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ए की पावर 4 यानी ई हो जाएगा डॉट ए, तो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्लियर है। तो आप देख रहे होंगे कि आपको क्या मिल रहे हैं, लगातार सारे एलिमेंट, ए भी आपको मिल गया, ए स्क्वायर भी आपको मिल गया, ए क्यूब भी आपको मिल गया, ए 4 भी आपको मिल गया, और आई थिंक ए 5 भी आपको मिल गया। अब आप क्या करेंगे, ए 5 की पावर 6 कर देंगे, तो ए 5 की पावर अगर आप 6 करते हो तो कितना हो जाएगा, ए 5 की पावर ए 6 30 हो जाएगा। तो ए 30 को आप लिखोगे ए 6 की पावर 5, ए 6 क्या आपका ई की पावर 5 यानी ई, तो वो भी मिल गया आपको ए 6। ई क्या है आपका, ए 6 है, ई क्या है आपका, ई जो है आपका ए 6 इज ए रेस टू द पावर 6 इज इक्वल टू ई है, ई मिल गया यानी ए रेस टू द पावर 6 मिल गया आपको, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया ना, ए रेस टू द पावर 6। तो मिल गया आपको सारे एलिमेंट, देखिए आपको ए भी मिल गया, आपको ए स्क्वायर भी मिल गया, आपको ए क्यूब भी मिल गया, आपको ए 4 भी मिल गया, आपको ए रेस टू द पावर 5, ए 6 इज इक्वल टू ई है, तो ये मिल गया। तो सारे एलिमेंट मिल गए किससे, ए 5 से। जब ए पावर की 5 की पावर 1 करी तो 5, 2 करा तो 4 मिला, फिर ए 5 की पावर 3 करी तो ए क्यूब मिला, ए 5 की पावर 4 करी तो आपको ए स्क्वायर मिला, ए 5 की पावर 5 करी तो आपको ए मिला, ए 5 की पावर 6 करी तो आपको ए 6 मिला। तो इसका मतलब क्या है कि ये एलिमेंट जो ए 5 है, ये पूरे ग्रुप के एलिमेंट और एलिमेंटों को आपको दे रहा है, तो ये जनरेटर हो गया। यही तो है जनरेटर की डेफिनेशन, जनरेटर का मतलब जनरेट करने वाला, जो पूरे ग्रुप को जनरेट कर दे। एक अकेला एलिमेंट अपनी पावर को चेंज करके, जो उसकी पावर है उसको चेंज करके अगर पूरा ग्रुप जनरेट हो जाता है तो उसको जनरेटर कहते हैं, और ऐसे ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज ओके। तो यानी इसका आंसर क्या हो गया, आंसर ऑफ दिस इज ए एंड ए 5। आप बाकी को भी ट्राई कर सकते हैं। अब आपको मैंने एक थ्योरम लिख के दी थी यहाँ, अगर आपने ध्यान से देखा होगा जब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट में पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने एक बात करा था, इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन एंड पी इज़ अ प्राइम टू एन देन ए पी इज़ ऑल्सो ऑफ ऑर्डर एन। तो अब वो पॉइंट यहाँ समझो जरा, आप शॉर्टकट में कैसे आंसर दे सकते हो, इसका आपको यहाँ फ़ायदा हो जाएगा। अब आप देखिए ये जो ए 6 है ना आपका, ए 6 है जो आपका ए 6, तो 6 के साथ आपका प्राइम कौन कौन हो रहा है, 6 के साथ प्राइम, तो 1 और 6 प्राइम का मतलब समझे आप, यानी को प्राइम नंबर है ये, जिनका कॉमन फैक्टर क्या आता है, 1 ही आता है। तो 1 और 6 के साथ आ रहा है, और इसका 5 और 6 के साथ, 5 और 6 के साथ भी, अगर 5 और 6 देखें तो ये भी हमारे क्या हैं, को प्राइम नंबर हैं, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर कितना है, दैट इज़ 1 है, और 1 और 6 भी क्या है, को प्राइम नंबर। तो वही वो कह रहा था कि उसका ऑर्डर भी वही रहेगा। तो यानी आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो ये पावर 6 है, ए रेस टू द पावर 6 ए, और एलिमेंट भी कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट थे। तो अगर जो इसके साथ को प्राइम होगा, इसके साथ प्राइम होगा, इस 6 के साथ जो जो एलिमेंट प्राइम होंगे, जैसे 6 के साथ कौन था, 1 प्राइम था, और 6 के साथ कौन प्राइम था, 5 प्राइम था, देखो 3, 2 और 6, आपको पता है को प्राइम नहीं है, क्योंकि 2 के फैक्टर करोगे तो 1, 2, और 6 के करोगे तो 1, 2, 3 और 6, तो दो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। ऐसे ही अगर 4 के साथ करोगे 3 के साथ करोगे तो दो हैं इसके साथ को प्राइम, 1 और 5, तो वो सारे इसके जनरेटर होते हैं, ध्यान रखना, जैसे 1 भी जनरेटर है और ए 5। तो ये इसका शॉर्टकट तरीका भी है उस थ्योरम को यूज़ करने का, कि इस 6 के साथ जो जो प्राइम है, प्राइम का मतलब 6 और जो जिसके साथ वो सेट लोगे आप, वो को प्राइम होने चाहिए। जैसे 1 और 6 को प्राइम है, 5 और 6 को प्राइम है, 2 और 6 को प्राइम नहीं है, 3 और 6 को प्राइम नहीं है, 4 और 6 को प्राइम नहीं है। तो जैसे 1 और 6 को प्राइम है और 5 और 6 को प्राइम है,
तो इसलिए इसके जो जनरेटर हैं, एक तो ए रेस टू दी पावर 1 और एक ए रेस टू दी पावर 5 है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा अच्छा इस तरीके से। तो वही मैं बता रहा हूँ आपको, एग्ज़ाम में आप जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो उतना आपका पेपर छूटेगा। नॉलेज तो सबको होता है, पर कौन शॉर्टकट टाइम में करता है, लीस्ट टाइम में, बस वही एग्ज़ाम में सफलता का राज है। आपको आते हैं और आप सफल हो जाओगे ये गारंटी नहीं है, लेकिन आप सफल कब होंगे, अगर आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इट मीन्स आपको डेफिनेट सक्सेस मिलेगी। क्योंकि एग्ज़ाम में मार्क्स मैटर करते हैं। आपका नॉलेज तो ठीक है, आपको बहुत अच्छा नॉलेज है तो आप क्वेश्चन तो कर लोगे, बट वहाँ तो टाइम भी लिमिटेड है ना। तो क्या शॉर्टकट तरीके से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो अगर वैसा कुछ आइडिया चाहिए तो मैं आपको दे रहा हूँ, और आपको मैं ऐसे वीडियो और दूंगा अभी और टॉपिक के, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। द जनरेटर ऑफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसके जनरेटर क्या होंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसके जनरेटर हैं। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार UKPSC में आया था ये वाला क्वेश्चन, UKPSC लेक्चरर का जो एग्ज़ाम हुआ था, लेक्चरर मैथ्स का मेन एग्ज़ाम जो हुआ था, दो हुआ था, पहले स्क्रीनिंग और फिर सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हुआ था। तो वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन लिया, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। तो देखो इसका मैं एक शॉर्टकट बता देता हूँ आपको आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप के लिए, कि आपको क्या करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट डिफाइन करना है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट किसी ग्रुप का, इसकी कंपोजिशन टेबल अगर आप बनाएं, तो अगर कंपोजिशन टेबल आप बनाते हैं 5, 15, 25 और 35, तो यहाँ हो जाएगा 5, 15, 25 और 35। तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि जैसे 5, 5 जा 25 है, 5, 5 जा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मोड्यूलो 40, मल्टीप्लिकेशन मोड्यूलो 40 इसका कंपोजिशन है। 5, 5 जा 25 और 15, 5 जा 75, 15, 5 जा 75, तो 75 को अगर आप 40 से डिवाइड करते हो, सो 1 और कितना आएगा 35, तो 35। तो देखो आपको पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए वो वाली रो चाहिए विच इज़ आइडेंटिकल टू द टॉप बॉर्डर रो, आइडेंटिटिकल टू द टॉप बॉर्डर रो, जो टॉप बॉर्डर रो के आइडेंटिटिकल होगी वही रो क्या होगी आपकी, उसका जो एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ये आपको पता है, ये ग्रुप की डेफिनेशंस में आता है, जब हम आपको ग्रुप पढ़ाते हैं तो वहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिफाई करना सिखाते हैं। तो उसमें सिंपल सा बताया जाता है कि अगर आप कंपोजिशन टेबल बना रहे हैं तो ऐसी रो जो टॉप बॉर्डर रो के आइडेंटिटिकल हो, उसका जो एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट होता है, उसका जो एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट होता है, दैट इज़ वो क्या होता है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दैट ग्रुप। तो क्योंकि मुझे तो आंसर पता है, लेकिन मैं आपको वेरीफाई करके दे रहा हूँ, जिस 25 का 5 से आप इंटू करेंगे, 25 का 5 से अगर आप इंटू करते हैं तो कितना आता है, 25, 5 जब 125, कितना होता है, 5, 5, 5, 10, 10, 12, 125 को अगर आप 40 से डिवाइड करते हैं तो आई थिंक 43 जा 30 के 0, 3, 4 जा 12, सो दिस इज़ 5। तो यानी पहला एलिमेंट क्या मिल गया आपको, 5। तो बस यहीं से देखो, एग्ज़ाम में थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ता है, एग्ज़ाम में थोड़ा रिस्क भी लेना, आप 15 से करके देख लो आपको पहला एलिमेंट 5 नहीं मिलेगा, आप 35 से करके देखो पहला एलिमेंट 5 नहीं मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। आप 15 को 15 से 25 को 15 से कर लो तो दूसरा एलिमेंट आपको क्या मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। तीसरा एलिमेंट आपको क्या मिलना चाहिए, 25, और चौथा एलिमेंट आपको क्या मिलना चाहिए, 35। तो एग्ज़ाम में अब बच्चे करते तो हैं, अब बच्चे क्या करेगा, पूरी कंपोजिशन टेबल बनाएगा, फिर उसको मैच करेगा कि यार ये रो आइडेंटिकल है, तो इसका एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट 25 है, ये मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये मेरा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। इतना टाइम किसके पास है, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आप सीधा चेक करिए, जैसे इसका पहला एलिमेंट 25 आया, आप छोड़ दिया, फिर 15, 5 जा कितना होता है, 75, 15, 5 जा 75, 75 को आपने 40 से डिवाइड करा तो 41 जा 40, तो 35 आएगा। तो इसका पहला एलिमेंट क्या आएगा, ये भी आपने छोड़ दिया, फिर आपको इसका पहला एलिमेंट मिल गया 5। चलो इसका भी चेक कर लेते हैं, 35 × 5 कितना हो जाएगा, 35 × 5 अगर आप करते हैं तो 5, 5 जा 25, कैरी गया 2, 5, 3 जा 15 और 2 17, राइट। इसको 40 से हम डिवाइड कर लेते हैं, 14 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, करिए इसको डिवाइड तो कितना हो जाएगा, 120, तो 3 जा, फिर 120, फिर आ जाएगा आपका 4 जा 4 0 की 0, 4, 4 जा 16, तो 5 और 7 में 15। तो देखो यहाँ पर आपको पहला एलिमेंट क्या मिल रहा है, 15, बस इतना सफिशिएंट आपको कि यहाँ पहला एलिमेंट 5 मिल रहा है, तो इसका मतलब यही वाली रो जो है
आइडेंटिटिकल होगी टॉप बॉर्डर रो के, और इसका जो एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट है 25 वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। तो टाइम इस तरीके से बचाया जा सकता है, अदरवाइज करने वाला तो फिर इसको पूरा करेगा, तो इतना टाइम कहाँ है आपके पास सॉल्व। मैंने कहा एग्ज़ाम में सिर्फ नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं होता, कि आपको बहुत नॉलेज है तो आप निकल जाओगे, एग्ज़ाम में ये भी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप कितने कम टाइम में कितने ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे हो। तो आपको ट्रिक आनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। अब ये है कंसीडर द ग्रुप अंडर द मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 18 द इनवर्स ऑफ 5, तो इनवर्स ऑफ 5 आपको निकालना है, तो आप वो भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आंसर इसका 11 है। आप उसी तरीके से कंपोजिशन टेबल बनाएंगे और देखेंगे कि किस में आपको क्या दिखाना है, 5 वाला दिखाना है ना, तो 5 वाला आपको देख लेना है कि 5 का आइडेंटिटी एलिमेंट किसके साथ बन रहा है, तो बस वही उसका इन्वर्स हो जाएगा। तो अगर आपको इसका डिटेल में ऐसे और वीडियो में अभी दूंगा आपको चैनल पर, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और ASO LTE लेक्चरर मैथमेटिक्स जो मैथ्स से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम उत्तराखंड में होते हैं तो उनका आपको काफ़ी कंटेंट मेरे ग्रुप में मिल जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए होमवर्क है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार एग्ज़ाम में आ रखा है, ये कोई क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आ रखा है। तो हाउ मैनी जनरेटर ऑफ दियर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर 8, मतलब समझे, ऐसा साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है 8 है, तो यानी ये ऐसा है कि A8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E, तो A स्क्वायर A क्यूब A रेज टू द पावर 4 A रेज टू द पावर 5 A रेज टू द पावर 6 A रेज टू द पावर 7 A रेज टू द पावर 8 E। अब देखो शॉर्टकट तरीका क्या है, इस 8 के साथ प्राइम ढूंढ लो, तो 1 और 8 प्राइम है, को प्राइम है, हाँ है बिल्कुल, तो यानी एक जनरेटर इसका A1 है, 2 नहीं है इसका, 3 और 8 को प्राइम है, तो एक जनरेटर 3 हो गया, 4 और 8 जो है को प्राइम नहीं है, 5 और 8 को प्राइम है, तो 5 और 8 को प्राइम है, तो A5 भी इसका जनरेटर होगा, 6 और 8 को प्राइम है, नहीं है, 7 और 8 को प्राइम है, बिल्कुल है, 7 और 8 को प्राइम, तो 7 भी इसका क्या होगा, यानी इसके 4 जनरेटर होंगे, एक A होगा, एक A क्यूब होगा, एक A5 होगा और एक A7 होगा, क्योंकि ये चारों 8 के साथ क्या बन रहे हैं, को प्राइम है, ये देखो को प्राइम, वो वाला जो लिखा था प्राइम टू N जो पॉइंट होता है, तो ये 4, तो इसके 4 जनरेटर हैं, इसके कितने जनरेटर हैं 4, तो अब आप ग्रुप बनाओगे, फिर उनके एलिमेंट को चेक करोगे, तो इतना टाइम किसके पास है ना, बस मेन है टाइम, बाकी नॉलेज तो आप लोग प्रिपेयर्ड करके जाते ही हैं, तो सबको नॉलेज होता है, मैंने देखा है बच्चे अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन आपको वो ट्रिक सीखनी है, वो आइडिया सीखना है, जिससे आप कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन, और कई एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो अब आप एक बच्चा ये है जो इसको लगभग 5 मिनट में करेगा, और एक बच्चा हुआ है जो इसको 5 सेकंड में करेगा, तो सीधी सी बात है निकलेगा वो बच्चा जो 5 सेकंड, नॉलेज तो इसको भी है जो 5 मिनट में कर रहा है, इसके नॉलेज में कोई कमी थोड़ी है, पर नॉट ओनली नॉलेज बट यू हैव टू टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो। तो दोस्तों अगर जिसने लास्ट तक वीडियो देखा होगा उसको काफ़ी चीज़ें पता लगी होगी, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद मैं कहूँगा, ठीक, थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरे वीडियो को लास्ट तक देखा, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और मैंने कहा जैसे आपको कि अगर कंटेंट चाहिए, रिकॉर्डेड कंटेंट आपको चाहिए, लाइव क्लासेस के मेरे पास ASO के रिकॉर्डेड कंटेंट है, और अगर आपको LT मैथ्स की ऑनलाइन कोचिंग, लेक्चरर की ऑनलाइन कोचिंग, तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर है 9897544379, डॉक्टर मुकेश नौटियाल, और कॉन्टेक्ट टाइम मैंने आपको ऊपर दे रखा है, 7 से 9 के बीच में आप शाम को मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, लेकिन वो देखने में टाइम कम लगता है, तो आप ज़्यादा सफिशेंट है सीधा कॉल कर दीजिए डिटेल के लिए, ओके। तो थैंक यू, अगर आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखा है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आपको बहुत जल्दी मिलूँगा, और तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय बाय बाय, और आप खुश रहें, मस्त रहें, और अच्छे से आपके पेपरों की तैयारी हो, और आप लोग जल्दी से जल्दी ASO बने, LT मैथ्स बने, लेक्चरर मैथमेटिक्स बने, और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जहाँ मैथ्स आती है आपको सक्सेस मिले, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।